हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब कि ये ग्रेविटेशन का पार्ट है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक प्लेनेट पर लगता है, ये आप जानते ही हो। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का क्या मोशन रहेगा वो हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल एग्जाम्पल देख सकते हो कि ये एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग पर से हमें एक स्टोन है, ये एक स्टोन है और ये जो है दैट इज डोरमैट। तो यहां पर क्या है, स्टोन जो है दैट इज उसका मास हम सपोज कर लेंगे, इसका मास है 100 ग्राम और ये जो डोरमैट है उसका भी मास है 100 ग्राम। दोनों सेम ही मास है 100 ग्राम और 100 ग्राम। तो आप क्या गैस करोगे कि ये जो इक्वल मास है तो ये सेम टाइम पर नीचे गिरना चाहिए, राइट? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर स्टोन जो है वो पहले गिर जाता है कंपेयर टू दिस डोरमैट। तो ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज स्टोन जो है दैट इज स्मॉल ऑब्जेक्ट है कंपेयर टू दिस डोरमैट। और स्टोन जब नीचे गिर गया तो उसको एयर का रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, और ये जो डोरमैट है उसको एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, इसलिए डोरमैट जो है वो थोड़ा लेट नीचे गिरेगा। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि स्टोन पहले गिरेगा और डोरमैट थोड़े टाइम के बाद गिरेगा। ये सेम मास है फिर भी ऐसा होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। ये जो है दैट इज एक ग्लास जार है, एक कंटेनर जैसा है, और ये कंटेनर में से हमें हवा को निकाल देना है। यहाँ पर तो एयर रेजिस्टेंस लगता था, लेकिन अब यहाँ पर ये कंटेनर में से हम एयर को निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। अब ये जो कंटेनर है उसके अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके अंदर स्टोन है और सिमिलरली ये है डोरमेट या तो फिर कारपेट। अब ये जो है ये कंटेनर के अंदर हवा नहीं है, राइट? अब यहाँ पर हम सिंपली ये दोनों ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पर छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, दोनों सेम टाइम पर ही नीचे गिरेंगे। मतलब कि दोनों का जो टाइम है दैट विल बी सेम टू रीच द बॉटम ऑफ दिस कंटेनर। तो यहाँ पर सेम टाइम पर क्यों गिरता है, बिकॉज यहाँ पर एयर हमने निकाल दी है, सो एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, इसलिए दोनों सेम टाइम पर नीचे गिरेंगे। यहाँ पर अगर स्टोन का मास 1 kg है और यहाँ पर पेपर का मास है सपोज 10 ग्राम, डिफरेंट मास रहेंगे फिर भी वो सेम टाइम पर नीचे गिरेगा। सो फाइनली हम ये एक्सपेरिमेंट ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मास कोई भी हो, चाहे वो 1 kg हो 2 kg हो, लेकिन वो मास मैटर नहीं करता है। ये जो मैटर करता है डेट इज एयर रेजिस्टेंस। मतलब कि एयर रेजिस्टेंस लगता है तो यहाँ पर बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है नीचे आने में, और अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता है तो डायरेक्टली वो नीचे आ जाएगा और उसको सेम टाइम ही लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टोन और पेपर है तो दोनों को सेम टाइम ही लगेगा बिकॉज ऑफ नो एयर रेजिस्टेंस। तो इस पर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरता है, दैट इज उसका फ्री फॉल होता है, तो वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। और ये हमने एक आगे इक्वेशन में भी देखा था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है दैट इज जी इज इक्वल्स टू जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने देखा था। तो यहाँ पर ये जो जी है दैट इज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ और कोई भी प्लेनेट हो, एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो स्मॉल एम मास होता है दैट इज द मास ऑफ एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट, वो तो आता ही नहीं है, ये हमने देखा था आगे वीडियो में। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है दैट डजंट डिपेंड्स ऑन द स्मॉल मास एम। तो इतना हमने देखा था। अब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में नीचे गिरता है दैट इज उसका फ्री फॉल होता है, तो वो जो मोशन होता है वो कॉन्स्टेंट एक्सिलरेटेड मोशन होता है, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। और हमने मोशन के चैप्टर में आगे आपने पढ़ा होगा शायद कि मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो वो हम इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यह है इक्वेशन 1। देन सेकंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन वॉज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के। अब ये सेम इक्वेशन यहाँ पर ग्रेविटेशन में भी यूज होते हैं, लेकिन
वहां पर हमने क्या देखा था कि ए जो है दैट इज द सिंपल एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर ग्रेविटेशन का चैप्टर है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ए की जगह पर जी हो जाएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो ये सभी फॉर्मूला में ए की जगह पर हमें जी लिखना है। सो फाइनली वी विल गेट वी इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, हियर एस इज इक्वल्स टू यू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। और यहाँ पर यू जो है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर जो ये स्टोन है वहाँ की स्टार्टिंग वेलोसिटी जो होती है दैट इज दैट विल बी यू इनिशियल वेलोसिटी। देन वी जो है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑलवेज जीरो रहती है यहाँ पर फ्री फॉल के केस में, अगर ऊपर से नीचे गिराते हैं तो, अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो दैट विल बी डिफरेंट, वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। वी जो है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि स्टोन जब नीचे गिरेगा यहाँ पर आ जाएगा तब ग्राउंड को टच करने से थोड़े से पहले की जो वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी v। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी वेलोसिटी v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। g इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड t, t जो है दैट इज द टाइम टेकन टू रीच द स्टोन टू द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी टाइम t। दिस वन इज s, s इज डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस हाइट इज द डिस्टेंस, सो इट इज S, सो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे S, और बाकी सभी टर्म आ गई है यहाँ पर। तो चलिए अब ये तीन इक्वेशन हमें याद रखने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब आपको एक चीज याद रखनी रहती है कि सपोज अब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है दैट इज उसका डिरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है तो जी का जो साइन है दैट विल बी पॉजिटिव। सो G is, यहां पर हम लिख देंगे G is positive when falling down। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो G will be positive, और नीचे से ऊपर जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो G क्या रहेगा, negative। Moving upward, मतलब कि कोई न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें हमें ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाता है ऐसा दिया गया होगा तो वहां पर हमें जी का जो साइन है दैट इज नेगेटिव लेना है। चलिए तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखते हैं। सो हियर इज द एग्जांपल, तो एग्जांपल रीड करते हैं, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। मतलब कि ये जो है दैट इज ग्रेविटेशन का, अगर आपको एग्जाम में ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये तो कौन सा समय कौन से चैप्टर का होगा, तो यहाँ पर आप पहला स्टेटमेंट जब रीड करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि स्टोन फॉल्स फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब कि ये फ्री फॉल का केस है। तो इस तरह से फिजिक्स में आपको एक सेंटेंस में से पता चल जाएगा कि भाई कौन सा केस है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इट इज गिवन दैट इट टेक्स टाइम 0.5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। तो फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक थोड़ा रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपको पूरा केस याद आ जाएगा और कौन सी फॉर्मूला यूज होगी वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर मैं एक बिल्डिंग ड्रॉ करता हूं और यहां पर है स्टोन, ये फ्री फॉल हो रहा है ऊपर से नीचे गिरता है। अब यहां पर दिया गया है 0.5 सेकेंड, मतलब कि दैट इज टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, यहां से नीचे आने में जो टाइम लगेगा दैट इज 0.5 सेकेंड। सो यहां पर भी मैं लिख दूंगा t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड, देन लेट g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g का जो वैल्यू है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई न्यूमेरिकल में आपको g का वैल्यू नहीं देते हैं तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना रहता है, लेकिन यहां पर गिवन है सो वी विल टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टोन ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है दैट विल बी यू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी जो रहती है दैट इज स्मॉल वी, और हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द स्टोन ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब स्ट्राइकिंग द ग्राउंड मतलब कि फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी वो हमें फाइंड करना है, मतलब कि हमें वी फाइंड करना है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे वी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कितना है वो फाइंड करना है। अब ये केस में आप देख सकते हो कि ये जो यू है
दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि स्टार्टिंग वेलोसिटी, और स्टार्टिंग वेलोसिटी फ्री फॉल के केस में जीरो रहती है, ये आपको पता ही है, क्योंकि जब हम स्टोन को होल्ड करते हैं उसके बाद हम छोड़ते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहती है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, और फाइनली यहाँ पर जब स्टोन पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी नीचे की तरफ. चलिए तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी, सो यहाँ पर हम लिख देंगे u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड. अब ये जो फ्री फॉल का केस है उसमें कौन कौन से इक्वेशन आते हैं वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे. v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सॉरी जी टी, बिकॉज ये यहाँ पर g लगता है, सो इट इज जी टी. देन अदर इक्वेशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. Then the last equation is v square is equals to u square plus 2gs, right? तो ये तीन equation है. अब हमें find करना है v. तो इन तीनों equation में से कौन सा equation हम लेंगे. तो यहाँ पर v कौन से equation में, यहाँ पर है और यहाँ पर है. लेकिन ये जो equation है यहाँ पर हमारे पास s का value नहीं है, तो फाइनली हम ये इक्वेशन तो ले नहीं सकते, तो बचा कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन. सो वी विल टेक फर्स्ट इक्वेशन टू फाइंड वी. सो हियर वी कैन राइट वी इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, क्योंकि यहाँ पर टाइम सभी वैल्यूज है, सिर्फ हमारे पास वी ही नहीं है, तो वो हमें मिल जाएगा. देयरफॉर वी इज इक्वल्स टू यू दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल्स टू 0 प्लस जी जो है दैट इज 10 एंड टी दैट इज 0.5 सेकेंड, और देयरफॉर फाइनली वी गेट वी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.5, सो इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. सो हमें ये वी का आंसर मिल गया, वी मिल गया दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, मतलब कि हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है. तो एवरेज स्पीड क्या रहेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू ये जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज यू एंड फाइनल है वी. तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, हमारे जो परसेंटेज निकालते हैं हम वो कैसे निकालते हैं, कि सपोज साइंस और मैथ्स में हमारे मार्क्स है, साइंस में मार्क्स है 90 और मैथ्स में मार्क्स है 95, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, 90 प्लस 95 डिवाइड बाई 2. तो सिमिलरली यहाँ पर भी एवरेज स्पीड निकालना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर u है और v है, तो हमें u प्लस v डिवाइड बाई 2 करना है. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइड बाई 2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू u कितना है 0 प्लस v जो हमने फाइंड किया है दैट इज 5 डिवाइड बाई 2, सो फाइनली वी विल गेट 5 बाई 2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड. यूनिट आपको बोलना नहीं है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. सो लेट्स मूव फर्दर. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ हाई इज द बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड. अब बिल्डिंग कितना ऊंचा है वो हमें फाइंड करना है, मतलब कि ये हाइट फाइंड करना है, दैट इज हाइट, और वी कैन से डिस्टेंस एस. सो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर एस कौन से फॉर्मूले में है, तो यहाँ पर है और ये इक्वेशन में भी है. सो हम दोनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन आप यूज करोगे आंसर आपका सेम ही आएगा. तो चलिए अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं. अभी हम ये इक्वेशन लेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. एस हमें फाइंड करना है, सो दैट विल देयरफॉर s इज इक्वल्स टू u दैट इज 0 इंटू टी, टाइम जो है दैट इज 0.5 प्लस हाफ इंटू जी दैट इज 10 इंटू टी स्क्वायर, टी दैट इज 0.5 स्क्वायर. सो ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस 5 इंटू 0.5 स्क्वायर. सो फाइनली वी विल गेट आंसर 1.25 और यूनिट रहेगा मीटर. सो हमें सभी आंसर्स मिल गए हैं, और ये जो s हमें फाइंड करना है वो ये इक्वेशन से भी हम कर सकते हैं. तो यहाँ पर चलो करके दिखा देता हूँ, v square is equals to u square plus 2gs. v का जो वैल्यू है दैट इज 5
So 5 square is equals to u, so it will be 0 square plus 2 into 10 into s find karna hai. So that will be as it is. Here 5 square, that is 25, is equals to 20 into s. So s will be 25 divided by 20. So finally it will be 1.25 meter. So आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा. तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा न्यूमेरिकल प्रोवाइड करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट को हमें नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करना है. तो उसमें सेम ही रहेगा सब कुछ, लेकिन जी का जो वैल्यू है वो हमें नेगेटिव लेना रहता है. तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन देखिए, उसमें आपको लिंक दी जाएगी, वहां से आप विजिट कर लेना.